सच में मून नाइट के पांचवें एपिसोड ने बार बार दिमाग को तो चकराया ही, और साथ ही ये एपिसोड मार्क की लाइफ को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाता है, जिसे देखने में मजा तो आया ही, लेकिन साथ ही ये एपिसोड हम सबको इमोशनल भी कर जाता है। मतलब जिस मार्क की कहानी हमने पिछले एपिसोड में देखी थी, उसकी लाइफ में बचपन से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, और हमें ये भी पता चलता है कि मार्क का एक छोटा भाई भी था जिसकी बचपन में ही डेथ हो जाती है, और मार्क की माँ उसे उसके छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है, जिसकी वजह से मार्क को कभी माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन माँ के हाथों बेल्ट से मार जरूर मिली है, और इसी की वजह से मार्क ने अपने अंदर स्टीवन की पर्सनैलिटी को क्रिएट किया और दोनों की लाइफ को जीने लगा। और इसी एपिसोड में हमें ये भी पता चला, जो हमें स्टीवन पहले माँ से बात करते हुए दिखता था वो सब नकली था। मतलब मार्क किसी से भी बात नहीं करता था, बस यूं ही फोन कान पर लगाकर बड़बड़ाने लगता था, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी होती है और ये सिर्फ मार्क को पता था। और इस पूरे एपिसोड में जो चीज बार बार दिमाग को चकराती है वो है मार्क का आर्थर के पास बार बार दिखाना, जहाँ पर मार्क एक मेंटल हॉस्पिटल में है और आर्थर वहाँ पर डॉक्टर है जो मार्क का इलाज कर रहा होता है। और उस सीन को देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद ये हॉस्पिटल वाली बात कहीं सच तो नहीं है, लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो मतलब अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब क्या उसकी इमेजिनेशन थी? लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस बात का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और साथ ही हमें इस एपिसोड में मून नाइट के बनने के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह खोंशु ने मार्क को बचा के अपना अवतार बनाया, और अवतार बनने के बाद मार्क ने जिन जिन लोगों को मारा था वो सब भी उसे दिखाई देते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद हमें पता चलता है कि एमिट जिंदा हो चुका है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऊपर से नीचे रेत में गिरने लगती हैं, और ये सब देखने के बाद क्वेरेट भी मार्क की बात को मान लेती है और मार्क को वापस से जिंदा करने के लिए अपने जहाज को उस दरवाजे के पास ले जाती है जहां से मार्क अपनी दुनिया में वापस आ सकता है। लेकिन अभी भी इंसाफ का तराजू बैलेंस नहीं होता और इसी वजह से बहुत सारी आत्माएं उन पर हमला कर देती हैं, जहां पर मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन नीचे गिर जाता है और जम जाता है। और सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल था। इस पूरे एपिसोड में जो सबसे बढ़िया बात थी वो थी इस एपिसोड की स्टोरी टेलिंग। मतलब जिस तरह से हमें पूरी कहानी को बताया जाता है, सच में मजा आ जाता है। और भले ही VFX थोड़े कमजोर हो, लेकिन कमाल सेट डिजाइन और हर शूट को इतने अच्छे तरीके से शूट किया गया है, सच में मजा आ जाता है। और एक बात और जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई वो है ऑस्कर आइजैक की परफॉर्मेंस, क्योंकि इस एपिसोड में लगभग मार्क और स्टीवन को ही दिखाया गया है जो सिर्फ आपस में ही बात करते हैं, और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये दोनों एक ही इंसान है। सच में दोनों किरदारों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। और आप सोच के देखो कि मून नाइट की शुरुआत जो है एक ऐसे शो से हुई थी जिसमें हमने सोचा था कि हमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मून नाइट सिर्फ एक्शन के बलबूते पर नहीं है, ये अपनी स्टोरी को जिस तरह से पेश कर रही है वो भी सच में काफी पसंद आ रही है। ओवरऑल इस एपिसोड ने हमें काफी इमोशनल तो किया ही है, और साथ ही ये एपिसोड मुझे काफी पसंद भी आया है। आपके इस एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, गुड बाय।